हेलो फ्रेंड्स, आज हम निवेद्यम वेज फास्ट में आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज संडे है तो सोचा कि थोड़ा घर का ना खा के बाहर चलते हैं, कहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे कहाँ पे अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट मिलते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन इन ब्रेकफास्ट, ऐसा कोई रेस्टोरेंट है तो पुणे में। तो मुझे ये निवेद्यम वेज फास्ट मिला। यहाँ पे आपको बुफे सिस्टम में ब्रेकफास्ट मिलता है। ये एक यूनिक चीज़ है क्योंकि बुफे सिस्टम में ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत ही कम जगह पे है जहाँ पे आपको बुफे सिस्टम में ब्रेकफास्ट मिलते हैं। तो ये एक यूनिक जगह है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ का रिव्यू देते हैं आपको, खाने के आइटम्स क्या क्या है आज मिलते हैं। तो पूरा हफ्ते का जो हेटिक है तो सोचा चलते बाहर। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, आज हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज। चलो चलते हैं। तो हम रेस्टोरेंट तक पहुंच गए हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। काफी भीड़ है, संडे है ना। जैसे कि मैं बोला, अभी वेटिंग है, संडे है तो काफी भीड़ है यहाँ पे। शीरा उपमा, पोहे, तो साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना खिचड़ी। अब आया मेरा फेवरेट मिसल, मिसल पाव। अब क्यों नहीं तभी। पाव, नींबू, कांदा। यहाँ पे बाउल रखा गया है अगर बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स खाना है तो। दूध का फ्लक्स यहाँ पे रखा गया है। ये कॉफी है, कॉफी आप खुद से बना सकते हो। शक्कर, यहाँ पे आप ब्रेड टोस्ट भी बना सकते हो, जैम भी है, बटर भी है। बस ग्लास और शरबत भी रखा है, जूस का ग्लास छो। ये कोकम और मैंगो का शरबत है। ये फ्रेश जूस है ना, मतलब चीनी वगैरह कुछ मिला है। तो प्लेट तो आपने देख लिया, हमने सारा कुछ ले लिया, सब सब सब, कुछ भी मिस करने का नहीं, क्योंकि हमको आज यही तो होता है ना बुफे का मजा। अभी तक हमने शुरू नहीं किया, हाँ, सो आई विल लेट यू नो कि कौन सा कैसा है, कहाँ से शुरू करूँ। चलो पोहा से शुरू करता हूँ। पोहा, ओके, तो पोहा पर हमने क्या किया, इफ यू कैन सी दिस, ये पोहा है, उसके ऊपर हमने कोकोनट जैसे ग्रेट करके उसके ऊपर स्प्रेड किया और हमने ये बारीक शेव डाले है। नाउ इट्स गोइंग टू फर्स्ट बाइट। गुड, नॉट डिसअपॉइंटिंग। मैं पहले एक एक करके बाइट तब देख कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं बोलना चाहता हूँ, अभी खाने के बारे में बात करते हैं। हाँ, पोहा गुड, ओके, ऐसा पोहा हमको बाहर भी मिलते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। साबूदाना वड़े इज ऑल्सो समथिंग, अगर मैं पाँच के ऊपर मैं 3-3.5 रेट करूँगा। जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो है ये शीरा। टिपिकली घी का स्मेल आ रहा है, ओके, एंड आई रियली लव दैट। ओके, मैं ऑफकोर्स और एक बार भी मैं ये ट्राई करूंगा और शीरा आपको अच्छा भी लगेगा।
क्योंकि आई बॉर्न एंड बॉट ए बॉन्ग राइट एज ए बॉन्ग मीठा तो आपको पसंद आएगा ऑफ कोर्स मीठा पसंद आएगा मीठा पसंद आना भी चाहिए और हम लोग इंडियन में हम लोग तो बात तो हम सभी जो जानते हैं कि यू ऑलवेज हैव अ स्वीट टूथ राइट मिसल में ट्राई नहीं किया मैं उतना ज़्यादा मुझे आई डोंट नो मुझे मिसल जब मैं खाता हूँ मैं टिपिकली कोई मिसल के जगह पे जो खाली मिसल के लिए फेमस हो ऐसा कुछ जगह पर ट्राई करना चाहूँगा मिसल इज ओके ओके बट व्हाट आई लाइक इट जो मुझे अच्छा लगा प्रेजेंटेशन छोटे एक जगह पे हम लोग जनरली देखते हैं कि बुफे जो ब्रेकफास्ट होता है वो टिपिकली एक होटल के अंदर होता है राइट लेकिन बाहर ऐसे 120 रुपीस में इतना कुछ स्प्रेड दे के बुफे इज बेसिकली यू नो इज समथिंग विच आई डिडंट बिलीव टिल द टाइम आई विजिटेड दिस पर्टिकुलर प्लेस राइट बाकी सब है जेस्टर अच्छा है तरीका अच्छा है प्रेजेंटेशन अच्छा है क्लीनलीनेस है हाइजीन है एक्सेट्रा ओके और बाकी हम जब खाते जाएंगे लास्ट में हम लोग एक एक आइटम का अलग से रिव्यू देंगे हम 5 पॉइंट में से कितना होता है वो भी हम बताएंगे आपको ठीक है अभी जरा खा लू तो अभी मेरे फ्रेंड्स ने तो खाने का रिव्यू दिया थोड़ा ओवरव्यू दिया तो मैं अभी टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ तो लेट्स स्टार्ट विद पोहा ठीक है पोहा का टेस्ट नॉट एक्सीलेंट आई वुड से गुड अभी साबूदाना खिचड़ी दिस इज ऑल्सो गुड उपमा एक्चुअली खाना थोड़ा ठंडा हो गया रिकॉर्डिंग करते करते आज संडे था तो काफ़ी भीड़ है तो हमें कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करना पड़ा उपमा अच्छा लगा वेरी गुड स्वीट्स को मैं लास्ट में ट्राई करूंगा पहले जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है मिसल पाव मुझे मिसल पाव मुझे बहुत पसंद है मिसल पाव ट्राई करता हूं और मैं आपको बताता हूं तो मैंने ऊपर से कांदा नींबू नहीं दिया थोड़ा नींबू निचोड़ लेता हूं अब ट्राई करके देखते हैं मिसल पाव जैसे मैं खाता हूं मेरे मुंह में पानी आ जाता है तो कैसा लगा मिसल 2 चम्मच का थोड़ा तीखा कम है नॉर्मली मैं जहाँ पे मिसल पाव खाता हूँ थोड़ा तीखा रहता है तो टेस्ट और बढ़िया लगता है ये भी अच्छा है थोड़ा खट्टा मीठा है तीखा भी स्लाइट हिले है अच्छा है नींबू अच्छे से ये हो गया मिक्स हो गया इट ऑल दोस आई विल गिव इट वेरी गुड 4 out of 5 पाव के साथ खाऊंगा थोड़ा स्वीट टेस्ट करके देखते हैं घी का स्मेल आ रहा है अच्छा है ना मुझे भी शीरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा शीरा अच्छा लगा घी का भी थोड़ा स्मेल है ना मैं जैसे कि मीठा जोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ तीखा भी जैसे तो थोड़ा सा स्लाइट और मीठा होता तो और अच्छा होता चेरी ऑन द केक तो आई थिंक 4 दिया जा सकता है क्या बोलते हो हाँ 5 में से 4 ये भी मिलना चाहिए इसमें 4 एनवायरमेंट अच्छा है काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आज संडे है तो खाने में मज़ा आ रहा है तो आप आ सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे एज आई मैंने पहले भी दिखाया वीडियो में
120 रुपीज पर प्लेट। अगर आपके साथ बच्चे आता है, किड आता है अबव 5 इयर्स, देन दे विल चार्ज 120 रुपीज, बट दैट्स फाइन, अच्छा है। और चार के नीचे 60 रुपीज, राइट? या पार्सल भी मिलता है। ओके, तो मैं प्लेट खत्म करता हूँ पाव के साथ खा के, चलो थैंक यू। फर्स्ट डे आप आ सकते हो, जैसे मैंने बोला बुफे सिस्टम में बफेट बहुत ही कम जगह पे है पिंपी चिंचवड़ में, तो इनका सिर्फ सैटरडे संडे ये ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, वीक डेज में ये अवेलेबल नहीं रहते, मंडे टू फ्राइडे ओनली, ऑन सैटरडे एंड संडे इनका ये बुफे सिस्टम ब्रेकफास्ट चालू है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा रिव्यूज भी है। ओके चलो मैं खाना फिनिश करता हूँ, थैंक यू, स्टे वेल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि हम लोग सारे खाने को रेटिंग करेंगे, फूड इज गुड। पर्सनली मुझे स्वीट वाला जो होता है ना, जो मान लीजिए पोहा में थोड़ा स्वीट हो गया या शीरा में, सॉरी या शाहबुदाने में थोड़ा स्वीट, मुझे स्वीट टच है वो मुझे अच्छा नहीं लगता बेसिकली, पर्सनली मतलब मेरे पर्सनल टेस्ट बर्ड वैसे ही यू नो बेसिस में टेस्ट बर्ड, सो मुझे वो एक जगह पर मुझे अच्छा लगा कि बाकी जो अपना ये साबुदाना खिचड़ी है, पोहा है, उसमें स्वीटनेस कम है, दैट इज़ गुड फॉर मी। और इस चीज़ को मैं एज आई सेड राइट, आउट ऑफ फाइव में पोहे को चार देना चाहूँगा, मिसल को मैं थोड़ा कम देना चाहूँगा, मुझे तिकट नहीं लगा इसमें, तिकट कम है तो मिसल का खास होता है कि तिकट, सो आई विल नॉट गिव मोर देन 3। पाव शुड हैव बीन मोर लिटिल मोर काइंड ऑफ सॉफ्ट राइट, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, खाना ऐसे भी ठंड हो गया है वीडियो के चक्कर में, ओके मैं वही राइट, मुझे भी लगा राइट थोड़ा पाव थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ना वो तेल या तो कुछ तो मतलब बटर वगैरह चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा तक वो मॉइस्ट रखता, तो इसके लिए आई विल नॉट गिव मोर देन 3। शीरा इज गुड फॉर साबुदाना समथिंग अराउंड 3.5 फॉर माई सेल्फ। तो ये रहा आज का खाने का रेटिंग, एटलीस्ट वॉट एवर वी हैव टेकन, इसके अलावा कुछ जूसेस वगैरह तो जो हमने लिया नहीं, इतना हमने भर लिया था कि और पेट में भी जगह नहीं और प्लेट में भी जगह नहीं है। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच, ओके लाइक सब्सक्राइब वॉट एवर कर देना, ओके सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दूसरी बात है कि हम लोग, आप अगर अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किए हो तो आप भी कर लो, और हम भी थोड़ा जूस या चाय कॉफी लेके आते हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिगार्ड्स द मेनू, वी डोंट चेंज द मेनू, तो मां खाटे इट इज सेम, दिस इज ओपन ओनली ऑन सैटरडे संडे, तो जाए नहीं तो फ्रॉम 9 टू 11 इन द मॉर्निंग, ठंड होगा जो खबर है, ऑन अदर डेज इफ देयर इज अ बिग ग्रुप एटलीस्ट 25 पीपल देन इट कैन बी अरेंज्ड फॉर दैट ग्रुप आल्सो ऑन अदर डे आल्सो, ओके चाय कॉफी एंड ऑल्सो टू शरबत, दैट इज द मेन एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वी डोंट चेंज दैट। It can be arranged if there is a group and they want some other item, it can be arranged. It can be arranged. Call on this number. Yeah. Anything else you want? Okay. Thank you so much. Thank you. Welcome, sir.